इस जीवन की भाग दौड़ में पता नहीं मंजिल तक कब पहुंचेंगे। निराश चाहे कितनी दफा हो जाए, पर चलना नहीं छोड़ेंगे, पर चलना नहीं छोड़ेंगे। एक टाइम था जब डेली का 50-60 किलोमीटर तो नॉर्मल था, बट अब बहुत दिनों से सोच रहा था साइकिलिंग करूं। ये दिन कब सालों में बदल गए पता ही नहीं लगा। आज फाइनली टाइम मिला तो सोचा साइकिल निकालते। दिमाग में ये भी था कि सर्विस करवानी पड़ेगी, बहुत दिन हो गए चलाए हुए, मेंटेन नहीं करा साइकिल को बिल्कुल भी। बट मैंने सिर्फ हवा भरवाई और निकल पड़ा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उन झंझटों में पड़ूंगा मैं नहीं चला पाऊंगा। और एक बार अगर रेगुलरिटी में वापस आता हूँ, डेली साइकिलिंग करता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि जब टाइम मिले तब साइकिलिंग करो और व्लॉग डाल दो। क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ ना डेली करना है, डेली के चक्कर में एक भी दिन नहीं हो पाता। और साइकिलिंग बंद करने का कारण भी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं इतनी ज़्यादा करने लग गया था कि मेरी नेक पेन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मैं छः से सात महीने बेड रेस्ट पे था। और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मुझे पता है वो क्या कारण था। आज मुझे पता है क्योंकि आज मैं उस फील्ड में आ चुका हूँ, मैं एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई वो क्या कारण था। और आज मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं जैसी साइकिल चला रहा हूँ मुझे पता है अगर मैं फिर इसको रेगुलर चलाऊँगा नेक पेन आएगा ही आएगा। उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बना दूंगा नेक पेन से कैसे बचें साइकिलिंग करते वक्त, और क्या क्या चीज़ें जो हम पहले ही अपने आप को सावधान कर सकते हैं जब साइकिलिंग कर रहे हैं। अभी चलते हैं। मैं द्वारका में ही हूँ, 10-15 किलोमीटर चलाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, वरना टांगों में दर्द हो जाएगा और डेली रूटीन वर्क भी करना है। चलाते हैं, आधा एक घंटा आपसे शेयर करते हैं और सारी चीज़ें। मिलता हूँ थोड़ा आगे जाके, आगे ट्रैफिक है, फिर मिलता हूँ आपसे। अभी तो मैं साइकिल को बिल्कुल रॉ उठा के ले आया हूँ, कोई लाइट नहीं, कोई बेल नहीं, इवन कोई बैक लाइट नहीं, गंदी मंदी सी ऐसी ले आया हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचता कि सब लगाऊँ, सब चीज़ें चार्ज करूँ, तो वो कल पे चले जाती बात, और कल पे जाती तो फिर राइड आज की कैंसिल हो जाती। आज शाम को टाइम था तो सोचा आज ही चल लेते हैं, क्योंकि अब कल टाइम मिले ना मिले वो पता नहीं। एज़ यू ऑल नो भाई, एज फैक्टर और यूट्यूब से कोई बंधी हुई इनकम नहीं है जो आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज़ अ शौक इसको पूरा करें। और बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब पे साइकिलिंग के थ्रू ही जुड़े हैं मुझसे, तो मैंने सोचा चलो उन सब के लिए एक कनेक्शन है। बहुत लोग आज पूछते भी है कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो उन सब के लिए जितना हो सकेगा, जब तक हो सकेगा साइकिलिंग करेंगे और वीडियोस डालते रहेंगे। और भी व्लॉग्स डालता हूँ मैं, वो भी देखा करो। जैसे साइकिलिंग की वीडियोस को प्यार दिया है, वैसी सेम उन चीज़ों को भी आप देखें, उन चीज़ों को भी लाइक करें, तो अच्छी ग्रोथ मिलेगी और उससे हाँ भाई हम पैसा कमा सकते हैं, जो सच्चाई है। लोग कमा रहे पर अभी हम नहीं कमा रहे, बट फ्यूचर में ज़रूर कमाएंगे, बिकॉज यही सब चीज़ें जो मन करता है करने को। बाकी सब तो चल रहा है ब्रो, चल रहा है। आप लोगों के साथ भी सेम होगा, ही नो। साइकिल चला के मैं थोड़ा थक गया, सच पूछो तो ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर यहाँ तक हो चुका है, और घर जाते जाते वही 18 के करीब हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आज भी ये सेम है जैसे पहले थी, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। आपको मैंने जैसा बताया, टायर में हवा भरवाई और निकल पड़े। बाकी जब मैं घर पे था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं कितनी ठंड है, और यहाँ आया ना अभी शरीर में चीटियाँ सी दौड़ रही है, खुजली हो रही है कि गर्मी के मारे। तो ये ना सिर्फ वो वाला सीन है कि ठंड जब होती है तो वो घर वाली, घर पे रहो तो लगती है, बाहर रहो तो नहीं लगती। बट हाँ, इन अगर मैं स्कूटी पे होता तो शायद स्कूटी पे भी लग रही होती, इसमें एफर्ट्स इतने लग गए, पसीने आ गए, तो अभी लग ही नहीं रहा, ठंड में भी ठंड है। और बाकी कोशिश करेंगे कि साइकिल चलाएं, और चलाएं तो व्लॉग भी बनाएं, पर प्रॉमिस नहीं है कुछ भी, क्योंकि अगेन टाइम के ऊपर सब डिपेंड करता है।
इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं रेगुलर कॉमेडी कंटेंट डालता हूँ, तो मुझे वो भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई करनी होती है, तो सब कुछ बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। आज मेरे पास शाम को टाइम मिला तो मैंने कहा घर नहीं बैठते, आलस करूँगा, सो जाऊँगा, टीवी देख लूँगा, खा लूँगा, पी लूँगा, उससे आगे क्या। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि हम एक व्लॉग बनाते हैं। तो मैंने अपनी पैंथर को निकाला, छोटी सी राइड करी और अब राइड को समाप्त भी करते हैं और घर चलते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए व्लॉग में। विंटर्स में साइकिलिंग करो, मस्त करो, बट ध्यान रखना फॉग में जाओ तो लाइट वगैरह आगे पीछे प्रॉपर हो, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और ट्रैफिक में भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो देख कर करना विंटर्स में। ऐसे खुले मौसम में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए व्लॉग में। तब तक आसपास साफ़ सफाई रखें, बड़ों का आदर सम्मान करें और भी मेरी सारी वीडियोस को देखते रहें, कॉमेडी कंटेंट ज़रूर देखें और बताएं कैसा लग रहा है। चलो चलते हैं ऑफ रोड करते हुए घर। और यहाँ मैंने अपना एक फ्रेंड है मेरा निखिल, उसकी फैट बाइक थी, उसकी बनाई थी वीडियो। अब यहाँ पर भी बहुत कुछ बनने लग गया, पहले बिल्कुल खाली था। यहाँ से मैं जब भी निकलता हूँ ज़रूर करता हूँ जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर ऑल।